भागलपुर शहरी क्षेत्र में अपराधियों ने अहले सुबह तांडव मचाया। दरअसल शहर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित श्री निकेतन अपार्टमेंट में अपराधियों ने घुसकर गार्ड व एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में गार्ड की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर CTSP, डॉग स्क्वाड की टीम व FSL की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। CTSP स्वर्ण प्रभात घटनास्थल के आसपास के घरों में लगे CCTV फुटेज खंगालने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दे चुके हैं। CTSP ने बताया कि दो लोगों का अपार्टमेंट में घुसकर गला रेत कर मारने का प्रयास किया गया। टीम जांच कर रही है। गार्ड की मौत हो चुकी है, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। गार्ड की पहचान बांका के रजौन निवासी पुरुषोत्तम के रूप में हुई है। एक और शख्स की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। FSL की टीम ने जांच के दौरान मौके से शराब की खाली बोतल भी बरामद किया है। क्या मामला है? ये चंडी प्रसाद लेन जोगसर थाने की घटना है। दो लोगों के गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया है। दोनों लोगों को हम लोगों ने अस्पताल भिजवाया है। यहाँ FSL की टीम बुलाई जा रही है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है। CCTV फुटेज देख रहे हैं, घटना का क्या कारण हो सकता है इसका पता लगाया जा रहा है। जल्दी जल्द हम लोग इसका खुलासा करेंगे। कौन कौन लोग थे पता चला है? एक आदमी के बारे में पता चला, ये रजौन का रहने वाला है, बांका का। हमरा भाई को मारी फेंकी दल के हो। कहाँ गए थे पुरुषोत्तम को? कटहन जगह थानो राजा जिला बका। कितना शादी शुदा लगे हैं? ना को मारे हमरा भाई भी हम पर आ जाओ। हमरा भाई भी हम सिक्योरिटी गार्ड मिले की यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा। कितना दिन से काम कर ले यहाँ पर? अभी से एक से होली फरवरी इसका निर्मल बाबू छह महीने होले। के नाम देते वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भागलपुर की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने शहरी क्षेत्र के मुख्य इलाके में हुई हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए इसे जंगल राज की वापसी करार दिया है। शहरी क्षेत्र के पौस इलाके में हुई हत्या से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अभी सवेरे हमें जानकारी मिली कि बुरहानाथ के इस मोहल्ले में रात या बीती रात कोई बड़ी वारदात हुई और गला रेत कर एक लोगों की हत्या और एक की गला रेतने का हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृपा से वो बच गया है। तो उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बिल्कुल दिन दहाड़े इस प्रकार से हो जाना इस पौस इलाके में जहाँ पर कि सब लोग पुलिस प्रशासन सब लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटना बिल्कुल चिंताजनक है। इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गंभीरता से जांच करते हुए इसका पर्दाफाश करें और जो भी दोषी है वो किसी भी प्रकार से बचना नहीं चाहिए, उसको अविलंब उसको पकड़ के उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है जंगल राज? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है और लगातार इस हर ढंग से हर तरफ से जो सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं, कहीं छिनतई तो कहीं दिन दहाड़े इस प्रकार से हत्या, कहीं मतलब हर ढंग से ऐसा लग रहा है कि वो जंगल राज का फिर से पदार्पण हो चुका है।